तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए, जैसे कि वो कुछ भी हो सकता है, चाहे एक मोटर हो या फिर कोई एलईडी हो या फिर कोई ट्रांजिस्टर हो या फिर कोई कैपेसिटर हो या फिर कोई रजिस्टर हो या फिर कोई एक टाइप का पीसी या पीसीबी आपको चाहिए या फिर कोई टाइप के वायर्स या फिर रोबोटिक्स का किट या फिर रोबोटिक्स के पार्ट्स अलग से बिना किट वाला या कोई सेंसर जितने भी आते हैं आर्डिनो या फिर रसबेरी पाई टाइप के कुछ प्रोजेक्ट, मतलब साइंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाने का जितने भी सामान होता है आपको सब चीज़ मिल सकता है एक ही वेबसाइट पे। तो ये वेबसाइट से मैंने कुछ दिन पहले एक सामान भी मंगाया था, जिसमें मतलब एक सामान तो नहीं मैं कहूँगा, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के कॉम्पोनेंट्स थे। और ये देख सकते हो, ये वो डब्बा, तो आज इसका इसी का अनबॉक्सिंग मैं करने वाला हूँ। तो चलिए अब इसको मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं कुछ कुछ चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले तो चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि ये कोई स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो नहीं, इसलिए मैं जो भी रिव्यू यहाँ करने वाला हूँ वो जेन्यून रिव्यू होगा। जो भी इस वेबसाइट की खराबी होगी या फिर जो भी इसका अच्छा बात होगा वो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। तो देख सकते हो, इस वेबसाइट का तो जितने भी चीज़ें मैंने सब अच्छा से, मुझे सब चीज़ अच्छा लगा, बस एक ही चीज़ अच्छा मुझे नहीं लगा कि वो है टैक्स। जितने भी, जैसे कि आप कोई भी सामान मंगाओ, चाहे वो एक एलईडी एक ही क्यों ना हो, चाहे वो 2 रुपया का हो या फिर 3 रुपया का हो, आपको उस एलईडी के लिए कम से कम टैक्स देना पड़ेगा जितना, तो वो आपको टैक्स वहाँ देना पड़ेगा। तो मैंने ये जो सामान था इसमें 1300 का इसका बिल है टोटल, 1310 का, लेकिन इसका जो टोटल बिल था वो 1000 कुछ था, लेकिन इसमें 200 से लेकर 250 तक जो जितना भी पैसा था वो टैक्स पे लगा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, और इसको सस्ता बनाया जा सकता था। लेकिन तब भी यहाँ पे जितने भी सामान है मुझे फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसे वेबसाइट से ज़्यादातर चीज़ सस्ता में मिला है। तो आज इसी को मैं, मतलब आपको भी बताऊँगा कि आपको कैसे यहाँ पे, मतलब ऑर्डर आप करके आप भी आसानी से कम प्राइस में आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाएंगे। तो चलिए अब इसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, उसके लिए हम सब चलेंगे अपने टेबल पर। लेकिन उसके पहले अगर आपको जितने भी आर्डिनो से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, साइंस के प्रोजेक्ट, और आपको वो सब भी देखना है, यार कुछ नहीं करना, आपको बस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को बस आपको प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना है, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस और उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएंगे। चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको ये सामान खरीदना है यार, तो सिंपल सा चीज़ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चल जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, जितना भी प्रोडक्ट है वहाँ का वेबसाइट का नेम है क्वार्ट्स कंपोनेंट्स, वहाँ जाके आप खरीद सकते हो। बस आपको कुछ कुछ डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे ऑर्डर से पहले, और आपके घर पे तुरंत से डिलीवर भी हो जाएगा 4 से 5 दिन के अंदर में। चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं अपने टेबल पे आ चुके थे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे बॉक्स आ चुका है, जो कि मैंने पहले बता दिया है कि ये इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है। तो आइए चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस को हाइड कर चुका, मैंने बॉक्स को मतलब यहाँ रख दिया अपने बेड पर, अब इसको मैंने खोल दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अंदर क्या क्या मिलता है। तो आप देख सकते, सबसे पहले मैं इसे कट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो पैकेजिंग के मामले में ये नॉर्मल है, जैसे हर चीज़ नॉर्मल पैक आता है, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले शायद मेरे ख्याल से बिल होगा यहाँ पे। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपको ये खरीदना है तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाके आप खरीद सकते हो इस सब चीज़ों को। तो यहाँ पर इस बिल में क्या है, चलिए मैं दिखाता हूँ कितने का ये सामान है टोटल, ये भी मैं बताऊँगा। और यहाँ पर आपको क्या डिस्काउंट मिलता है या फिर क्या टैक्स वैक्स देना है वो भी मैं चलिए बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे सब चीज़ सामान है। यहाँ पे देख सकते प्राइस है पे 1309.39, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसके प्राइस है 1309। तो ये आपको आराम से मिल जाएगा इतने प्राइस में, इसमें थोड़ा टैक्सेस भी है, जैसे कि ये टोटल जब आप खरीदोगे तो ये 1000 कुछ का ही सामान था, लेकिन इसमें 200-300 टैक्स था, जैसे कि आपने वहाँ पे देख ही लिया था। उसका डिस्काउंट आपको 5% देगा, तो कुछ लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते पैकेजिंग में यहाँ पे बबल रैप के साथ यहाँ दिया हुआ, तो ये काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण आपका सामान नहीं कुछ हो। यहाँ पर डबल टाइप से दिया, एक अलग से एक दिया हुआ था, जिसमें यहाँ पे बैटरी ही होगा, क्योंकि बैटरी के दोनों ये टर्मिनल सट ना जाए या फिर इधर उधर कहीं दूसरे प्रोडक्ट में सट ना जाए, इसके कारण यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए दिया गया था। जिससे इसकी जो साइज़ है बैटरी की, ये काफ़ी ज़्यादा, देख सकते हो कितनी साइज़ की, यहाँ पे हैंड के हिसाब से मैं दिखाता हूँ अपने फिंगर्स के कितना बड़ा बैटरी है। तो ये बैटरी 6000 mAh का है, जैसे कि आप लोग जानते हो 18650 बैटरी जो लैपटॉप बैटरी आता है वो वही, ये भी वैसा ही है, लेकिन ये यहाँ पे देख सकते हो 32650 है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे 32650 है, वो 18650 होता है। यहाँ पे 6000 mAh का बैटरी यहाँ पे, और वो होता है 1500, नहीं तो 2000 mAh का बैटरी होता है। तो चलिए इस बैटरी को साइड में रखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे असली मेन प्रोडक्ट जहाँ पे जितना भी मैंने मंगाया वो सब मैं मंगाता हूँ। तो देख सकते हो मेरे चैनल पे ऐसे ही आपको वीडियोस मिलेंगे, तो आपको ऐसे ही वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। और कुछ दिनों में मैं आर्डिनो सीरीज़ का हाउ टू प्रोग्राम इन आर्डिनो वाला एक वीडियो बहुत सारा आएगा सीरीज़ में, और साथ ही साथ आर्डिनो के कुछ कुछ प्रोग्राम्स के भी आने वाले हैं वीडियो, जिसमें मैंने इन सब प्रोडक्ट्स को भी यूज़ किया है। तो वो अगर आपको देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस वीडियो का वेट कर लेना, और कमेंट में भी ज़रूर बताना। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट होगा मेरा, यहाँ पर
लेज़र डायोड यानी लेज़र लाइट का यहाँ पे जो सेंसर होता है, मतलब सेंसर तो नहीं बोलूँगा, जो यहाँ पे लेज़र लाइट का मेन जो लेज़र लाइट जहाँ से प्रोड्यूस होता है वो वाला ये पार्ट है। जैसा कि आपने बचपन में देखा होगा लेज़र लाइट को, तो उसमें ऐसा ही आगे में लगा हुआ होता था। तो इसकी प्राइस मेरे ख्याल से शायद 2023 कुछ था। तो इस प्राइस रेंज का तो आप देख सकते हैं, ऐप पे जाके मैं हर चीज़ का प्राइस नहीं बताऊंगा। तो आइए इसको ऑन करके मैं देख लेता हूँ, यही बैटरी से चेक करके देखता हूँ, जिससे पता चलेगा बैटरी भी वर्किंग है कि नहीं। और एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आपके पास जब ये प्रोडक्ट आएगा तो ये रिटर्न पीरियड सिर्फ 2 से 3 दिनों का रहता है, वो भी आपको मतलब उतना अच्छा रिटर्न नहीं होता जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजन में होता है। आपको डायरेक्ट कस्टमर केयर पर बात करना पड़ेगा, तब ये होता है। इसलिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबको चेक कर लेना जरूर। तो देखा देख सकते हैं यहाँ पे लाइट, लेज़र लाइट जल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिख नहीं रहा हुआ यहाँ कैमरा में, लेकिन वहाँ पे आपको लाइट दिख रहा हुआ छोटा सा रेड लाइट। लेकिन ये एक्चुअली बहुत पावरफुल है नॉर्मल लेज़र लाइट जितना। ऊपर से मेन बात है 3.7 वोल्ट ही बैटरी है, अगर आप 4-5 से दोगे तो अच्छा चलेगा। तो ये बैटरी आप मतलब ये वायर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपको नॉर्मल वायर लग रहा होगा लेकिन ये नॉर्मल वायर्स नहीं है, ये जंपर वायर आप लोग को पता ही होगा आर्डिनो या फिर कोई आप अगर ब्रेडबोर्ड ये सब लगाते होगे पिंस, तो उसमें जो पिन होता है उसमें एक मोटा सा पिन होता है, मतलब ऐसे तार तो उसका पतला नॉर्मल तार होता है लेकिन आगे में पिन टाइप का होता है। तो ये जो वायर्स है ये एक पिन टाइप का वायर, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सिंगल इसमें एक अंदर बस एक मेटल का वायर यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पे इस पिन में ऐसे लग सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप लगा सकते हो बिना उस जंपर वायर्स के, क्योंकि ये काफ़ी आगे से मोटा और सिंगल ही होता है इसके अंदर। तो इसको आप लगा सकते हो, इसको क्या एक इसको ब्रेडबोर्ड वायर्स ही बोला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सब चीज़ तो है, और यहाँ पे एक पीसीबी है जो कि कॉपर का है, मतलब कॉपर का मतलब कि ये पूरा बॉडी कॉपर का नहीं, जहाँ पे सोल्डिंग किया जाता है वहाँ पे यहाँ पे कॉपर का देख सकते हो चमक भी रहा है। सिल्वर कलर का एक होता है, और एक यहाँ पे देख सकते ये वाला कॉपर का कलर जो कि हल्का सा ब्राउन गोल्ड टाइप का मतलब होता है। इस वाले को आप रख देता हूँ मैं यहाँ साइड पे, यहाँ पे आप सोल्डरिंग इससे कर सकते हो कुछ प्रोडक्ट्स लगा के, यहाँ कुछ कुछ कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक लगा के। तो यहाँ पे देखते ये एक रेजिस्टर है जिसको आप यूज़ कर सकते हो वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, यानी मतलब वोल्टेज ये ज़्यादातर कम ही कर देता है। और यहाँ पे देख सकते ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैं बाद में खोलूँगा, और इस वाले को भी मैं बाद में खोलूँगा, क्योंकि ये दोनों स्पेशल था पैकेजिंग के साथ है, क्योंकि ये दोनों बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं। महंगा मतलब ज़्यादा महंगा नहीं, लेकिन 200 रुपये के आसपास होंगे, और बैटरी भी 200 का था लगभग। अब यहाँ पे ये सब चीज़ तो है, साथ में यहाँ पे ये देख सकते ये सब चीज़ आर्डिनो में लगता है, ठीक ना। और यहाँ पे देख सकते हो इस वाले चीज़ में सबसे पहला यहाँ प्रोडक्ट आएगा पेल्टियर, जो कि टेक 1207 06 वाला जो एक आता है पेल्टियर, जो कि 12 वोल्ट 6 एम्पियर पे चलता है, वो वाला पेल्टियर है। यहाँ पे ये BC 547 ट्रांजिस्टर आता है, वो एक भी मैंने मंगाया था, और एक यहाँ पे 2N22 है, तो ये वाला 2N22 था। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ये काफ़ी अच्छा मुझे लगता है, यहाँ पे 8 स्विच होता है, मतलब 8 पिन का ये स्विच होता है, जैसे कि नॉर्मल स्विच जो होता है आपका, देख सकते हो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको सब कुछ चला के। देख सकते हो यहाँ पे आपको जो मन वो, यानी आप इसे 8 चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देखने में। लेकिन इसकी साइज़ काफ़ी छोटा है, इसलिए ये थोड़ा उतना अच्छा मेरे ख्याल से वर्क ना करे, लेकिन हाँ आप इसको अच्छा से करवा सकते हो, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए और मैं दिखाता हूँ आप सबको क्या क्या मैंने यहाँ पे मंगाया है, और कुछ कुछ चीज़ों का जितने भी आप चाहोगे, अगर आप चाहते हो कि मैं सबका यूज़ दिखाऊँ, या फिर मतलब जैसे कि बैटरी का मैंने क्या किया, या फिर इस निकल देख सकते हो यहाँ पे, पहले मैं बताता हूँ ये निकल स्ट्रिप, इसको बैटरी को यहाँ पे आपको स्पॉट वेल्डिंग में काम आता है। और अगर आपको ये सब चीज़ों का कुछ मतलब जैसे कुछ वीडियो स्पेशल बनता है, जैसे कि कुछ मैंने कुछ एक टाइप का मैंने रोबोट टाइप का कुछ चीज़ बनाया, अगर वैसा कुछ चीज़ आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ, तो आप कमेंट करके मुझसे बता सकते हो, आर्डिनो की हेल्प से मैं सब चीज़ बता दूंगा और इन सब चीज़ का भी हेल्प करूँगा। तो जिससे यहाँ पे बैटरी ये सब भी है, ये सब मैं रखता हूँ। ये LDR है जिसको बोला जाता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, या फिर इसको फोटो रजिस्टर भी बोल सकते हो, ये लाइट के थ्रू काम करता है, लाइट की इंटेंसिटी के थ्रू। अब ये सब के ऊपर मैं कुछ कुछ प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, अगर आपको वो प्रोजेक्ट जानना है कैसे बनता है तो आप मुझे बता देना कमेंट पे, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा अगर आपको देखना है तो। ये देख सकते हो यहाँ पे ये ऑडियो जैक है, जहाँ पे आपको ऑडियो इन वाला होता है, जो कि फ़ोन में भी लगा हुआ होता है। और यहाँ पे देख सकते हो ये जैसा कि मैंने बोला था एक 2 ट्रांजिस्टर था, तो मेरे ख्याल से BC547 मैंने कैंसिल कर दिया था, तो ये दूसरा ट्रांजिस्टर है हॉल इफेक्ट्स, इसको बोला जाता है हॉल इफेक्ट सेंसर। अब ये हॉल इफेक्ट क्या होता है ये मैं बताऊंगा आपको थोड़ा देर में। तो हॉल इफेक्ट से यही होता है कि जो ये एक टाइप का स्विच के थ्रू काम करता है, अगर आप इसके ऊपर नॉर्थ वाले जो दो मतलब मैग्नेट के 2 साइड होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर आप नॉर्थ वाले साइड से इसके पास ले जाएगा तो ये एक स्विच के तौर पे काम करेगा, और आपका बल्ब या LED जलने लगेगा। और ये देख सकते हो ये एक LED है बहुत अच्छा 4 पिन वाला, जिसमें 3 कलर होते हैं, और एक मेन कैथोड वाला एक ही सिंगल होता है, यानी आपको माइनस एक जगह देना, प्लस आप कोई भी सेट आएगा तो 3 कलर जलता है, RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू, और आप उसका मिक्सचर भी लगा सकते हो कलर्स का। और यहाँ पे देख सकते हो ये सब एक चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये बजर है बड़ा साइज का है, ये काफ़ी अच्छा सा है,
ये भी कुछ प्राइस में आपको मिल जाएगा, सस्ते में ही मिलेगा, क्योंकि सारे सामान लगभग फैक्ट्री ही प्राइस पे है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा प्रॉफिट लेके वो लोग बेच रहे हैं। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक दो सॉकेट डीसी सॉकेट है, यहाँ पे 12 वोल्ट का है, फिर आप इसमें कितना भी वोल्ट दे सकते हो। और ये देखो, ये एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसके ऊपर भी मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, इसके थ्रू मैंने एक डिस्टेंस ये सब चेक वाला कुछ चीज़ में बनाऊंगा, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ये सब चीज़ देखने के लिए। चलिए मैं इन दोनों चीज़ का भी अब बताता हूँ, जो इसको मैंने नहीं खोला था पैकेट वाले को। तो जैसे सबसे पहला चीज़, यहाँ पर आपको एक DC to DC स्टेप अप बूस्टर मिलता है। अब इससे होता क्या ये मैं बताता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे इन वाला जो है, यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे देख सकते हैं इन में लिखा हुआ है 35 वोल्ट। तो 35 वोल्ट आप इनपुट दे सकते हो और मैक्सिमम आउटपुट में 50 वोल्ट ले सकते हो। जैसे कि मैंने अगर 5 वोल्ट दिया तो मैं 5 वोल्ट से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। इस वाले पिन जो देख सकते हो, इसको मैं घुमाता हूँ, इससे 5 वोल्ट को 50 वोल्ट तक कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा यूज़फुल हो सकता है। अगर आप 1 वोल्ट भी डालोगे तब भी होगा, लेकिन 5 वोल्ट अगर आपने किया तो 5 वोल्ट से नीचे आप नहीं ले जा सकते। उसके लिए DC to DC स्टेप डाउन मॉड्यूल आपको लेना पड़ेगा, ये स्टेप अप मॉड्यूल है। और यहाँ पे आपको आराम से आप 1 वोल्ट को भी 50 वोल्ट जनरेट कर सकते हो, जो कि एकदम पूरा अच्छा से वर्क करेगा, ज़्यादा देर तक भी आप करा सकते हो वर्क। और ये दूसरा चीज़ यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छा चीज़ है। यहाँ पे ये एक OLED डिस्प्ले है, OLED डिस्प्ले, जैसा कि आप लोग जानते हो फ़ोन ये समय भी होता है और TV ये समय भी आता है आजकल OLED डिस्प्ले। तो ये एक आर्डिनो के तरफ से, मतलब आर्डिनो का तो नहीं, लेकिन ये आर्डिनो ये समय यूज़ आप कर सकते हो कुछ प्रोजेक्ट्स में, रोबोटिक्स प्रोजेक्ट में। और इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्द ही। और अगर आपको ये सब चीज़ का यूज़ देखना है और कैसे आर्डिनो में प्रोग्रामिंग करना है, तो आप प्लीज़ चैनल के कमेंट सेक्शन में यहाँ पे हमें कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। और यहाँ पर देखते इसको, यहाँ पर लगता है मेरे ख्याल से सोल्डरिंग ये सब करना पड़ेगा, तो इसको मैं कर लूँगा अच्छा से सोल्डरिंग। और यहाँ पर चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको इसको। यहाँ पे देख सकते, ये एक कवर टाइप का दिया, जैसे स्क्रीन गंदा ना, तो इसको मैं अभी नहीं खोलूँगा क्योंकि अभी मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, अभी पहले यहाँ पे सोल्डिंग वोल्डिंग करूँगा मैं। तो देख सकते हो, अगर आपको ये सब प्रोडक्ट लेना है यार, तो एकदम सिंपल सा चीज़ है। क्वार्ट्ज कंपोनेंट्स आप वेबसाइट पे चल जाओ, नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर उसका ऐप ही डाउनलोड कर लो, वहाँ से आप इन सभी चीज़ों को आराम से मंगा सकते हो। काफ़ी अच्छा चीज़ है, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिलेगा। यही चीज़ नहीं, और भी अलग अलग चीज़ मिलेगा आपको। आर्डिनो के ये जितने भी पार्ट्स होते हैं या सेंसर्स होते हैं, वो सबसे अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक के चीज़ मिलेंगे। और यहाँ देख सकते हो आर्डिनो उनो ये सब भी मिल जाएगा, लेकिन आर्डिनो उनो मैंने बहुत पहले ऑर्डर किया था, ये दूसरा चीज़ मैंने ऑर्डर किया है अभी। तो यार अगर आपको ये सब में से कुछ भी चाहिए होगा, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ले लेना, और कमेंट करके मुझे बताना अगर कोई डाउट है तो।